मैं जब शिपिंग मंत्री था तो बांग्लादेश में हमारा कपास एक्सपोर्ट होता है बड़े प्रमाण पर, और हमारे कपास को यहां से जेएनपीटी, जेएनपीटी से कोलंबो, और कोलंबो से चितगांव, और चितगांव में ट्रैफिक जाम है, 10-10, 15-15 दिन शिप खाली नहीं होता, तो एक कंटेनर का रेट 6 लाख रुपए तक गया हुआ है। तब मैं जब जलमार्ग मैंने बनाया वाराणसी टू हल्दिया 1350 किलोमीटर, तब मैंने ब्रह्म वहां से बंगाल की खाड़ी है और वहां से ब्रह्मपुत्रा में भी मैंने जलमार्ग बनाया, ड्रेजिंग कर दिया, बराक में भी कर दिया। फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि नितिन जी इतना काम आपने किया है तो एक बार बांग्लादेश में 250 किलोमीटर ड्रेजिंग करके मुंगली पोर्ट भी बना दो, तो मैंने वहां भी वो भी बना के दिया। तब मेरे ध्यान में आया कि बांग्लादेश को हमारे 3 नदियां मिलती हैं, वो 3 नदियों के ड्रेजिंग को मैंने मंजूर किया और उसमें विदर्भ का बहुत बड़ा फायदा है, और वो फायदा यह है कि अब वर्धा के ड्राईपोर्ट से हमारे कंटेनर जेएनपीटी नहीं जाएंगे, हल्दिया जाएंगे, और हल्दिया से 225-250 कंटेनर बार्ज में डालकर हमारे बांग्लादेश के 3 रिवर पोर्ट हैं वहां जाएंगे, और उसके कारण जो ट्रांसपोर्ट की कीमत है जो 6 लाख पर कंटेनर लगती थी वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक आएगी, और विदर्भ का कपास, विदर्भ का सूत और विदर्भ का ग्रे क्लॉट, आपको पता होगा ये हमारे जाम में मोताजी की फैक्ट्री है, वो अकेले 500 कंटेनर कपड़ा बांग्लादेश भेजते हैं, रेडीमेड गारमेंट पूरे बांग्लादेश में बनते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, और कपास हमारे यहां से जाता है। अब ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने के बाद विदर्भ का पूरा कपास बांग्लादेश में जाएगा, सूज जाएगा, और विदर्भ के किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं लगातार अध्ययन करते रहता हूं, मुझे मालूम नहीं अमाउंट में, पर गोंदिया और भंडारा जिले से जितना चावल एक्सपोर्ट होता है इसकी कीमत 12 से 15 हजार करोड़ रुपए होगी, और ये चावल एक्सपोर्ट करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, और इसलिए ये ड्राई पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट का अर्थ यही होता है कि समुद्र, हमने मुंबई का समुद्र आप क्या लाया, और इसलिए आपने जो जगह बताई है, ऑलरेडी मैं एमआईडीसी के साथ सांगली में, सोलापुर में, नासिक में हम लोग ड्राई पोर्ट बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने और मेंडे जी ने मांग की है एमआईडीसी की जगह पर 200 एकड़ जगह आप दो, मेरे डिपार्टमेंट में पैसे की कोई कमी नहीं, मैं 5 लाख करोड़ के काम हर साल करता हूं, तो और 100-200 लगेगी तो मैं एक्विजिशन पीछे मैं कर लूंगा, पर रेलवे के बाजू में जगह इसलिए उसका फायदा है, और भंडारा, गोंदिया और बालाघाट जिले का पूरा राइस वहां से एक्सपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और किसानों को चावल के भाव ज्यादा मिलेंगे, उनका फायदा होगा। मैं इस ड्राई पोर्ट का काम तुरंत शुरू करने के लिए तैयार हूं, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, आप तुरंत मुझे वो जगह का आप कलेक्टर से बात करिए और जल्दी दीजिए। आज हमारे यहां पहली बार देश में यह भी रिकॉर्ड हुआ कि गोंदिया में महाराष्ट्र सरकार की जगह पर हमसे 3.5 लाख रुपए किराया ले लिया कार्यक्रम का, आज तक हमने कभी पैसा नहीं दिया सरकार ने, पर आपके बहुत अधिकारी होशियार हैं, उन्होंने 3 लाख रुपए का फायदा कराया, पर मैं आपको 300 करोड़ फुकट में देने के लिए तैयार हूं भारत सरकार की ओर, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये ड्राईपोर्ट का भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊंगा, रिंग रोड और ड्राईपोर्ट के लिए मैं 6 महीने के अंदर भूमि पूजन के लिए आऊंगा, आप इसको थोड़ा जगह का तुरंत प्रपोजल भिजवा दीजिए। ये बात जरूर है कि मेरा एक सपना है, और वो सपना ये है कि इस देश का किसान देश के पेट्रोल डीजल का पर्याय दे। मेरी बात को आप शांति से सुनो, मैं केवल हवा की बात करने वाले नेताओं से नहीं हूं, और मैं आपको यह भी बताता हूं कि साफ बोलता हूं तो कभी कभी लोग नाराज भी होते हैं, चावल उगाने वालों का भविष्य अच्छा नहीं है, मेरी बात याद रखना, हिंदुस्तान में चावल सरप्लस, हिंदुस्तान में चना सरप्लस, हिंदुस्तान में कॉर्न सरप्लस, हिंदुस्तान में चीनी सरप्लस, केवल तेल की कमी है खाद्य तेलों की। आप सब लोग मिलकर भंडारा गोंदिया जिले में चावल के बजाय, जैसे ये राइस ब्रांड तेल है इसको बहुत कीमत है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि तेल बिया के बारे में, सूर्यफूल के बारे में, सोयाबीन के बारे में, सरसों के बारे में, विमुख के बारे में थोड़ा सोचिए,
क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो किसानों को आगे भविष्य में बहुत अड़चन आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि चावल की समस्या है, सरकार खरीदी नहीं कर रही है। पंजाब हरियाणा में विनोद जी, चावल रखने के लिए गोदाम में जगह नहीं है। ये तो अच्छा हुआ यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, जिसके कारण आज चावल और गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने एक निर्णय किया, ये निर्णय करने में मैं इसके पीछे था, क्योंकि इसमें फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा था। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि देखो इसमें किसानों का हित है, और वो निर्णय ये किया कि इस देश का किसान केवल अब अन्नदाता नहीं बनेगा, इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। और इसलिए हमने पहला निर्णय किया है कि शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। फिर भी जो सी मोलाइसिस होता है उससे हम इथेनॉल बनाते हैं, फिर बीएवी मोलाइसिस जो है 7% उससे इथेनॉल बनते हैं, और अभी प्रफुल्ल भाई हम 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे हैं, पर हमको केवल 450 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलता है, आधा इथेनॉल अभी अवेलेबल नहीं है, और पेट्रोल के भाव बढ़ गए। और मैंने और एक काम किया है कि रशिया में मैंने साइंटिस्ट ने प्रयोग किए कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है। एक लीटर इथेनॉल, एक लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। तो मैंने इंडियन ऑयल को, साइंटिस्ट को बुलाया, मेरे घर पर मीटिंग कराई, और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और रामकुमार, उनके लेबोरेटरी के पर उनको कहा कि ये प्रयोग करिए। उनने कहा यह संभव नहीं होगा, बोला ट्राई करके देखिए। 3 महीने के बाद इंडियन ऑयल ने मुझे पत्र दिया, ये ट्रायल यशस्वी हुई, अब भारत सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और 100% इथेनॉल इक्वल टू 100% पेट्रोल, तो कोई नुकसान नहीं है। अब इसमें और अच्छी बात हुई है कि मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए, वो यह है कि भंडारा गोंदिया जिले से पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। 10 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हमारा पेट्रोल डीजल का, और ऊपर से पोल्यूशन हो रहा है। और इसलिए मैंने योजना शुरू की है कि पहला यह है कि राइस से अब इथेनॉल बनेगा, और मैं, आपने जैसा उल्लेख किया, ये शुगर फैक्ट्री, तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो पिछले जन्म में पाप करता है वो उस जन्म में एक तो शुगर फैक्ट्री डालता है, नहीं तो पेपर शुरू, अखबार शुरू करता है। तो वैसे ही भंडारा जिले के 2 नेताओं ने मेरे गले में ये कारखाना लटकाया और वो मुझे छोड़ के भाग गए। बहुत आग्रह करके मैं नहीं चाहता था तो भी मेरे गले में लटकाया, पर मैं एक बात है कि जो काम लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। और इसलिए भंडारा गोंदिया जिले के विकास के लिए मैं देवाड़ा में, हम लोग 600 करोड़ रुपए का नया विस्तार कर रहे हैं, और इसका भूमि पूजन 3 महीने के अंदर उस कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसमें राइस कट जो है, क्या बोलते, कणी, मुझे 600 टन पर डे चाहिए, यानी 60 ट्रक मैं अकेला लूंगा, और 1000 टन पर डे मुझे ये राइस स्ट्रॉ चाहिए, और इसको ट्रांसपोर्ट करने का पूरा काम गोंदिया के लोगों को दूंगा, कम से कम 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और कारखाने में डिफ्यूजर भी आ रहा है, 24 मेगावाट बिजली भी है, और इसके साथ साथ 5000 टन की कैपेसिटी इस कारखाने की हो रही है। जब से मैंने कारखाने लिए, हर साल 20 से 30 करोड़ का घाटा था, ये पहला साल आया कि जिसमें शुगर में फायदा हुआ, और हमने 22000 टन चीनी इस बार एक्सपोर्ट की। पर यह बहुत बेकार धंधा है, पर जिसमें हाथ डाल दिया है, तो मैंने कभी किसानों के हितों के लिए हम पीछे हटे नहीं। आप सबके सहयोग से 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके ये जो 5000 टन शुगर केन का, ताकि गन्ना बढ़े यहां, उसके साथ 4 लाख लीटर पर डे इथेनॉल का, और उसके साथ साथ ये जो आपका तनस है, इससे मैं बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की भी फैक्ट्री डाल रहा हूं। मेरा खुद का ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पे कन्वर्ट किया, और एक ट्रैक्टर अगर डीजल का कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए साल के बचते हैं। और साकोली तहसील ऐसी है महाराष्ट्र में जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अगर कोई तालुका में है तो वो साकोली में है। और मेरी इच्छा है कि जितने ट्रैक्टर वाले भंडारा गोंदिया जिले में है उनका 1 लाख रुपए साल का बचे और प्रदूषण कम हो। और इसलिए तनस से
ये सीएनजी और एलएनजी बनाने की योजना मैंने लाई है। ऑलरेडी एक फैक्ट्री कर्नाटक के उद्योग मंत्री के साथ, क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो पार्टनरशिप में डाल रहे, उसका काम शुरू हो गया है। और ये सीएनजी हमारे ट्रैक्टर पे चलने से हमारी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और नागपुर में तो सीएनजी और एलएनजी के पंप भी हमने डाल दिए, डीजल से कई गुना अच्छा फ्यूल है। मैं निश्चित रूप से आपको इस काम के लिए सहयोग मांगूंगा। एक हमारे सांसद महोदय जी ने मांग की है पांगोली नदी का, ये बहुत अच्छा, मैं आपको बताने के लिए भूल गया कि ये सबसे अच्छा काम हुआ है कि वाटर कंजर्वेशन का। कलमा अकोला में था, हम 36 तालाब बन रहे, पीकेवी को 8000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आ गई। पशु वैद्य के विद्यापीठ बोरगांव मंजू पानी के नीचे आ गया, हम 36 तालाब वहां बना रहे, 20 का कल लोकार्पण हुआ। और इसलिए काम करते समय नदी नालों का खोलीकरण करना, रुंदीकरण करना, मालगुजारी तालाबों की मिट्टी हम निकालने के लिए तैयार है, आपको नए तालाब बनाने के लिए तैयार है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये जो प्रोजेक्ट किए रोड के, इसमें 34 तालाब हमने बनाए हैं। गोरेगांव गंदिया रोड पर 9 तालाब बने हैं, तुमसर तिरोड़ा पर 15 तालाब बने हैं, और देवरी धामगांव इस पर 10 तालाब बन गए हैं। और टोटल यहां 2.88 लाख क्यूबिक मीटर का हमने खोदन किया है, जितना जल संवर्धन 288 टीसीएम है, और पानी क्षमता 28.80 कोटी लीटर हुई है। और मुझे इतनी खुशी है कि कल मैं अकोला में था तो एक तालाब के पानी से 9 गांव का पानी के पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाद में अभी हम जो और करने वाले हैं, जिसमें इस गांव, इसका कारण जो फायदा हुआ है, वो गांवों के नाम है टांडा, झांझिया, डौवा, धोटी, बटाना, मटंगा, मोहगांव, गणखेरा, कटबा, पांजरा, मुंडीगोटा, नवेगांव, सरांडी, सरदा, सातोना, पाटिलवेड़ा, पालडोंगरी, यहां इसका बहुत बड़ा फायदा वहां के किसानों को और वहां के लोगों को पीने के पानी के लिए हुआ है। इसी साथ ये नवीन प्रकल्प में टिकायतपुर, दांडेगांव, तांडा, बोथली, धावनीवाड़ा, खुर्सीपार और खमारी, यहां भी हम तालाब बना रहे हैं। मैं यहां के जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूंगा कि इसको सहयोग करिए और इससे पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। मैं हमारे अधिकारियों का विशेष रूप से इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये पांगोली नदी का जो पुनर्जीवन है, इसमें जो मिट्टी है वो अगर रोड में काम में आती है तो रिंग रोड के, तो उसकी परमिशन आप दिला दीजिए। इसका पूरा खोलीकरण रुंदीकरण करके इसका पुनर्जीवन करने का काम मैं करूंगा। मेरी शर्त इतनी है कि आप जिलाधिकारी से परमिशन दो और ये मिट्टी रोड के लायक हो जाए तो ये नदी का पुनर्जीवन गोंदिया के लिए बहुत बड़ा जीवन होगा। ये भी काम मैं निश्चित रूप से करके दूंगा, यही विश्वास आप सबको देता हूं। आज करीब 350 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है, उसके साथ साथ विशेष रूप से राष्ट्रीय महामार्ग का विस्तार करने के बारे में भी आपने मांग की है, नए इसमें मैं उसका जरूर विचार करूंगा। गोटी से गोंदिया ये 150 करोड़ का काम पूरा हुआ है। देवरी से आमगांव ये 300 करोड़ का काम लगभग पूरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से वैनगंगा नदी पर बड़ा पुल जो है 424 करोड़ का, ये भी पूरा हुआ है। ऐसे 900 करोड़ के काम पूरे हैं। तिरोड़ा से गोंदिया, जिसका आज ही हमने चर्चा की, उसका आरओबी भी मैंने मंजूर किया, ये करीब 300 करोड़ का काम है। साले खुर्द से तिरोड़ा ये करीब 300 करोड़ का काम है, ये भी जल्दी दुपद्रीपण, इसका भी काम अभी शुरू हो जाएगा, प्रगति पथ पर है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा में वैनगंगा का जो पुल है, उसका तो मैंने पहले ही बताया, बहुत अच्छा पुल बनने से फायदा होगा, मिटिगेशन मेजर के साथ उसका 4 पदरीकरण हो रहा है। सौंदड़ में 3-3 पदरी रेलवे उड्डान पुल, पादचारी अंडरपास, ये 130 करोड़ का, ये भी काम प्रगति पथ पर है। और जो कामों की मुझे घोषणा करनी है वो मैं कर देता हूं। रावणवाड़ी से बालाघाट टी पॉइंट वळण रास्ता, दोनों वळण रास्ता का मैंने अभी घोषणा की है, ये करीब 350 करोड़ के काम है। और ये 500 करोड़ का रिंग रोड पूरा होगा, ये आज ही इसकी घोषणा की, और 6 महीने के बाद मैं इसके भूमि पूजन के लिए आऊंगा।
सीआरएफ में केवल एक काम छोड़कर जो 80 करोड़ का वो कैंसिल करना पड़ा आप सबके अनुमति से। करीब सीआरएफ में 11 काम मंजूर हुए हैं, 3 काम पूरे हुए, 2 काम प्रगति पर है और 6 काम और उसका निविदा स्तर पर है। मेरा विश्वास है कि ये 3 साल में इतने काम होंगे कि उसके बाद जो भी कोई नया मिनिस्टर बनेगा उसके पास डेलीगेशन ले जाने का मौका आप किसी को मिलेगा नहीं, इतने पूरे काम हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। कोमारा टू गोंदिया इसका भी समस्या है, फॉरेस्ट का प्रॉब्लम था, आपकी बात सही है। मैं पूरा वो काम ध्यान लेकर उस काम को पहले फॉरेस्ट के काम को छोड़कर बाकी काम की शुरुआत तुरंत करेंगे और आपके सहयोग से फॉरेस्ट की परमिशन लेकर वो भी काम मैं जल्दी शुरू करूंगा। उसके साथ साथ अब नागपुर से गोंदिया मेट्रो भी हम शुरू कर रहे हैं। गोंदिया टू नागपुर ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? तो मैं आपको गोंदिया से नागपुर 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचा दूंगा। 140 किलोमीटर के स्पीड से एयर कंडीशन मेट्रो चलेगी और आप नागपुर में रहकर गोंदिया नौकरी कर सकोगे और गोंदिया में रहकर मिहान में काम कर सकोगे। ये मेट्रो 6 महीने के अंदर शुरू करने की योजना है। हमको मेट्रो की गाड़ियां मिल रही रेलवे से और जल्दी ये काम शुरू होगा जिससे गोंदिया के मेट्रो आगे हम लोग चंद्रपुर लेकर जाने वाले हैं और चंद्रपुर के साथ नागपुर, तो नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से चंद्रपुर और चंद्रपुर से नागपुर, ऐसी रिंग मेट्रो घूमेगी और जिसमें इस भाग का विकास होने में निश्चित रूप से मदद होगी। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। आप सब कार्यक्रम में आए, आप सबके सुझाव जो जो भी आपने दिए हैं वो पूरे किए, आगे भी कोई सुझाव रहेंगे तो पॉजिटिवली पूरे करने की कोशिश करूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।